नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिला स्व सहायता समूहों के खाते में 300 करोड़ रुपयों की ऋण की राशि ट्रांसफर की है। अब सरकार जल्द ही लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण भी शुरू करने वाली है। मिंटो हॉल में आयोजित आजीविका मिशन के ऋण वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के जीवन को सशक्त बनाने की कई योजनाएं चला रही है। साल 2018 से पहले हमने पोषण आहार के लिए स्व सहायता समूह की बहनों को ठेका दिया। कमलनाथ सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान सहायता समूह की महिलाओं से पोषण आहार के ठेके वापस लेकर उन्हें ठेकेदारों को दे दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि राज्य सरकार अब लाडली लक्ष्मी योजना 2 लेकर आने वाली है, जिससे महिलाओं को शैक्षणिक स्तर सुधरेगा। भोजन बनाए ताकि कस्टमरों को और आप तक भी हमारा शुद्ध भोजन पहुंच सके। और मामा जी, हम यह आशा करते हैं कि आप भी हमारे प्रसादम पे कभी मामी जी को साथ में लेके पधारे, और जरूर पधारे मामा जी, और आपको आना ही पड़ेगा मामा जी। अरे आपने इतने आग्रह से सरोज कहा है तो मामा भी आएगा और मामी को भी संग लाएगा। जी मामा जी, आपको आना ही पड़ेगा। क्या हमारे अंदर अगर काम करने की तड़प हो तो बहने चमत्कार कर सकती है। हम अभाव में जीने के लिए पैदा नहीं है, हम केवल गरीबी में जीने के लिए पैदा नहीं है, हम केवल ताने सुनने के लिए पैदा नहीं है, हम केवल अन्याय सहने के लिए पैदा नहीं है। इतिहास में, भूतकाल में हमने पहले देखा कि बहनों का और बेटियों का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना सम्मान नहीं होता था। मैंने अपने गांव में देखा, पति की मर्जी पत्नी से चाहे जैसा व्यवहार करे, कभी डांट दिया, फटकार दिया, कभी कभी तो मार भी दिया, ऐसी घटनाएं होती थी। अब भी बिल्कुल नहीं होती है, मेरा कहना नहीं, अब भी कई बार घरेलू हिंसा की घटनाएं सुनाई में देती। नारी केवल ये सहने के लिए नहीं, बचपन से मैंने ये भेदभाव और अन्याय अपने गांव में भी देखा। बेटा और बेटी में भेद किया जाता है, बेटे को लाड़, बेटी आ गई तो कहां की आफत आ गई। महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ मध्यप्रदेश की धरती पर चल रहा है और आज ही कई स्व सहायता समूहों के खाते में 300 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। आज नर्मदा जयंती है, नर्मदा जयंती के इस पवित्र अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और ये विनम्र अपील भी करता हूं कि नर्मदा जी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, केवल कहने के लिए नहीं, नर्मदा जी का जल सूखे कंठों की प्यास बुझाता है, हमको पीने का पानी मिलता है, तो पेयजल से हमको जीवन देती नर्मदा मैया। नर्मदा जी का जल हमारे खेतों की सिंचाई कर रहा है और अनेकों योजनाएं आज भी हम बना रहे हैं, लहलाती फसलें देती है नर्मदा मैया। हमारे घरों में अंधेरा भगाने के लिए जो बिजली आती है उसका भी एक हिस्सा हम नर्मदा मैया के जल से बनाते हैं, इसलिए नर्मदा मैया मध्य प्रदेश की जिंदगी है। आज हम नर्मदा जयंती तो श्रद्धा के साथ मना ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम नर्मदा जी के तट पर, नर्मदा जी के तटवासी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें।
मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा डेकहा रीवा।